इंद्र कुमारी और केमिस्ट्री एजुकेटर, और हमारे साथ हैं अभिनव झा सर। आज हम दोनों मिलके डिटेल एनालिसिस करेंगे आईआईटी मद्रास का। सर स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। वेरी वार्म वेलकम सर, और बाकी बच्चों का भी बहुत स्वागत है। और आईआईटी मद्रास के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज हम लोग, और आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द जुड़ जाए इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग भी आपके साथ काफी चीजें शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो बच्चे जल्द से जल्द आ जाए, हम लोग तब तक बच्चों को थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देते सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, पहले हम अनअकैडमी के बारे में बता देते हैं, उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग आईआईटी मद्रास। यस सर, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। हेलो राहुल, कैसे हो? हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। तो आप लोग का स्वागत है इस अमेजिंग से सेशन में, जिसका नाम है कट ऑफ द प्लेसमेंट्स ऑफ मद्रास। हम लोग वेबसाइट भी विजिट करेंगे और काफी चीजें जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, इस अमेजिंग से कॉलेज में। साउथ इंडिया का बेस्ट कॉलेज और इंडिया का टॉप 5 में जरूर आता है आईआईटी मद्रास। ओके, ऑल्सो दिस इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है अभिनव झा, आई एम बीटेक फ्रॉम एनआईटी नागपुर, हैव मेंटर्ड मेनी टॉप रैंक्स इन जेईई मेंस इन एडवांस, बट मोर देन 5+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल, एंड आई ऑल्सो होल्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 698 इन गेट। मेरे साथ है बिजेंद्र कुमार सर, जो कि केमिस्ट्री के टॉप एजुकेटर है, अनअकैडमी में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, एंड इनके पास मोर देन 4+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, काफी टॉप रैंक्स को मेंटर कर चुके हैं, एंड ऑल्सो इंडिया के टॉप काउंसलर है फॉर जेईई। Also guys, आप लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर जेई का, as well as my own personal टेलीग्राम चैनल, and विजेंद्र सर का भी पर्सनल टेलीग्राम चैनल आप लोग जाने के। आज प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर लाइव क्लासेस लेते हैं, वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है आप लोगों के लिए, ताकि आपके जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग हो सके, और स्ट्रक्चर कोर्सेज कम्प्लीटली प्रिपेयर किया जाता है ताकि आपका रिजल्ट हो, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज बनाया जाता है, कम्प्लीट अनलिमिटेड एक्सेस है, और आइकॉनिक भी हमारे पास, जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस और स्टडी प्लानर, टेक्स्ट एनालिसिस और स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल। ओके सो गाइस, दीज आर द फी स्ट्रक्चर ऑफ अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक। तो आप लोग बिजेंद्र या फिर एजे लाइव कोड लगा के आ सकते हो अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक पे, है ना। एंड आपको प्राइसेस ये आपके सामने है, 3, 6, 12, 24 and 30 मंथ्स का। 12 मंथ्स का कोर्स आपको पड़ेगा 38,000, 24 मंथ्स का 55,000 एंड 59,000 पड़ेगा 30 मंथ्स का कोर्स। साढ़े सात 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 एंड 24 मंथ्स के लिए आइकॉनिक भी अवेलेबल है, है ना। प्राइसेस आपके सामने है, 12 मंथ्स का आपको पड़ेगा 58,500 एंड 90,000 फॉर 2 इयर्स, सो दैट विल बी ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डाउट बैन अकेडमी इज नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी वेबसाइट। यू कैन आस्क अप टू 3 क्वेश्चंस एट अ टाइम एंड गेट सॉल्यूशन इन योर प्रीफर्ड लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। सिंपली क्लिक ड्रॉप एंड सबमिट फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम अनअकैडमी एंड्रॉइड ऐप एंड अनअकैडमी वेबसाइट आल्सो। सो आस्क योर डाउट नाउ। बिल्कुल। आल्सो गाइस, आप लोग एजे लाइव कोड लगा के आ सकते हो ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, है ना। एंड ऑब्वियसली ये कोड लगा के आप लोग मॉक टेस्ट में भी रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज द कोड बिजेंद्र, है ना। आप बिजेंद्र कोड लगा के भी मॉक टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हो। इंडिया का सबसे बड़ा मॉक टेस्ट होने वाला है ये, है ना। एंड ऑब्वियसली आप लोग को 2 to 5 PM होगा फ्रॉम 2nd January एवरी संडे, है ना। ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट होने वाला है, क्यूरेटेड क्वेश्चंस बाय टॉप एजुकेटर्स, वीडियो सॉल्यूशंस ऑन ईच क्वेश्चंस, एंड डिटेल्ड रेस्ट रिपोर्ट मिलने वाला है आपको फॉर द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट। एक्साइटिंग रिवार्ड इन एवरी टेस्ट ऑन अकेडमी प्रोडिजी होने वाला है, जिसमें आपको रैंक 1 को मिलने वाला है मैकबुक एयर, रैंक 2 को मिलने वाला है 2 and 3 को एप्पल आईफोन, 4 से 5 को मिलने वाला है एप्पल आईपैड, और 4 से 6 को मिलेगा अमेजोन इको डॉट, और 41 से 100 को 6 to 40 को मिलेगा अमेजोन इको डॉट, और 41 to 100 को मिलेगा अमेजोन वाउचर। तो टोटल 100 बच्चों को यहाँ पर ढेर सारे
रिवार्ड्स मिलने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मैकबुक एयर, और सर एक बार पीछे कीजिएगा, Amazon एप्पल आईफोन, एप्पल का आईपैड और Amazon इको डॉट और Amazon का वाउचर। साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलने वाला है टोटल 500 बच्चों को, 100% 75% 50% 25% और 15% की स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 23 जनवरी को, ठीक है, 10 AM ऑनवर्ड्स फॉर क्लासेस 7, 8, 9, 10th, 11th, ITJEE एंड नीट। ओके, exciting scholarship and rewards completed all India level, and also will get the chance to win education for life. बिल्कुल बिल्कुल, और आपके पास amazing batches Unacademy पे already launched है भाई, guys आप सभी लोग आके join कर सकते हैं Unacademy का ये शानदार batches जो recently launch हुआ है 5th of January 2022 को, हमारा excellence batch for JEE Mains and Advanced 2023 है ना, एंड ऑब्वियसली एज बैच भी लॉन्च हो चुका है बहुत जल्द। तो ये सारे अमेजिंग स्ट्राइकर, रैपिड एज, रैपिड रिवीजन बैच, ये सारे बैचेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बेटा। फर्स्ट जेई मेंस कभी भी हो सकता है मार्च में, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो, अपना जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करो। एंड राहुल अरविंद, आई एम प्लानिंग फॉर आईआईटी मद्रास, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, वंडरफुल। ओके चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग ये शानदार सा सेशन। तो हम लोग पहले बच्चों को क्या करेंगे, व्हाट शुड वी डू, पहले प्लेसमेंट दिखाते हैं सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। और कैंपस तो बहुत सुंदर कैंपस है, ग्रीन ग्रीन एकदम पूरा मजेदार कैंपस है। एक सेकंड, चलिए तो सर मैं वेबसाइट ओपन करके सारी चीजें दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी पीपीटी से भी हम लोग बच्चों को चीजें दिखा देंगे, ठीक है? तो डायरेक्टली बच्चे हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे चलते हैं। हाँ आप मुझे होस्ट भी बना दीजिए, हम लोग आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं सारी चीजें। पहले तो कैंपस देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, जानते हैं आईआईटी मद्रास के बारे में, कंपेयर भी करेंगे बाकी कॉलेजेस। जैसे आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी कि हम लोग सभी कॉलेजेस का लगातार कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसका भी अब करने का समय आ गया है। तो चलिए चलते हैं आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईआईटी मद्रास। आई होप कि आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो गया होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, देन आई विल स्टार्ट। यस सो या ऑल क्लियर, आप लोगों को दिख रहा है वेबसाइट, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहां पर द चैंपियन टेक्नोलॉजी हाइपरलूप कंपटीशन हो रहा है, और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आईआईटी मद्रास से रिलेटेड है। नंबर 1 for 5 years एंड रनिंग, 2020 में नंबर 1 एनआईआरएफ रैंकिंग था आईआईटी मद्रास का। यस तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं प्लेसमेंट देखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट और बच्चे भी ज्यादा प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स गो एंड चेक द प्लेसमेंट्स ऑफ आईआईटी मद्रास। एक मिनट रुकेंगे बच्चे आप लोग, ये कुछ नंबर्स हैं जो काफी बिग नंबर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। टोटल अभी तक आईआईटी मद्रास में 2105 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रह चुके हैं और 4112 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एमएस रिसर्च स्कॉलर 746, पीएचडी स्कॉलर्स 2963,
faculty 591, staff 6677, patents 146, जैसे हमने देखा था आईआईटी कानपुर का भी सुबह में 100 patents थे, यहाँ पर भी 146 patents है, projects 829 projects हैं, और कैंपस लाइफ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। प्लेसमेंट मैं बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, प्लेसमेंट इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तब तक हम लोग बाकी चीजें देखते हैं, एक ब्रांच का हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो लेट्स सी यहाँ पर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल के फील्ड में आईआईटी है, तो प्रैक्टिकल तो होगा ही, ब्रांच सिर्फ नाम का नहीं होगा। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि ये लोग बच्चे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं एयरोस्पेस डिपार्टमेंट वाले, और इसमें टोटल 31 फैकल्टीज हैं, इतने स्टूडेंट हैं। एरियाज ऑफ रिसर्च एरोडायनामिक्स, फ्लाइट मैकेनिक्स, एरोस्पेस प्रोपल्शन एंड एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स। वी कैन ऑल्सो विजिट द डिपार्टमेंटल वेबसाइट, हम डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दिस इज द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे है। इसके अलावा अप्लाइड मैकेनिक्स से हम लोग चलते हैं कंप्यूटर साइंस पे, कंप्यूटर साइंस देखते हैं इसके बाद। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का फोटो पूरा बिल्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्लॉक है ये। And we can also visit the departmental website. हम departmental website पे visit कर सकते हैं। This is the main building of CSE department. And this is the these are the pictures of convocations. And also teaching award मिला हुआ है यहाँ के professor को। यहाँ के teachers पढ़ा रहे हैं, उसके कुछ photos हैं। Best student paper award. Workshop for children of of army staff, joint research with the and next one is the visualization and perception lab. Dr. APJ Abdul Kalam HPC award, speech and vision lab, DRDO research अवार्ड, टीचिंग अवार्ड एंड ऑल, ठीक है। तो उसके अलावा फिर यहां पे आई एम सर्चिंग द डिटेल्स, स्टिल सर्चिंग द प्लेसमेंट डिटेल्स, बट वी विल फाइंड इट आउट वेरी सून, डोंट वरी। यस यस यस, काफी अच्छा कैंपस लग रहा है सर, और इसका कैंपस तो काफी सुंदर ही है, और काफी रिसर्च मेरे ख्याल से सर इंडिया में काफी टॉप पे आता है, टॉप टू में कैंपस के मामले में बहुत टॉप पे आता है, और इवन रिसर्च में। कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, let's see the hostel life. When is JEE Main first attempt? JEE Main first attempt आपका मार्च में proposed है। ये hostel infrastructure काफी शानदार लग रहा है, hostel की building आप लोग देख सकते हैं। ये hostels अगर IIT कानपुर से compare करेंगे सर, तो इसका infrastructure ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ऑफिस ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट एंड चेयरमैन वार्डन काउंसिल,
हम लोग क्लब्स देख सकते हैं यहाँ पे, कौन कौन से क्लब्स हैं। तो हिंदी मित्रा मंडल, ओके, और तेलुगु संस्कृति समिति, केरला, अच्छा ये हर एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए क्लब्स हैं यहाँ पे। संगम क्लब, क्विज क्लब, वर्ड गेम क्लब, म्यूजिक क्लब, ओरेटरी क्लब्स, राइटिंग क्लब, फाइन आर्ट, मीडिया, ई स्पोर्ट्स क्लब, कॉमेडी क्लब, लाइफ स्टाइल क्लब, इनफॉर्मल क्लब, क्लासिक आर्ट्स, फिल्म एसोसिएशन क्लब, डिजाइन एंड VFX क्लब। सो क्लब्स भी हमने देख लिया, स्टूडेंट एक्टिविटीज, कैंपस फेस्टिवल्स देख सकते हैं हम लोग, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। तो यहाँ का फेस्टिवल है सहस्त्रा, ठीक है, ये फेस्टिवल का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, कल्चरल फेस्टिवल है। टेक्निकल फेस्टिवल भी होगा, सरंग इज द टेक्निकल फेस्टिवल, पता नहीं चल रहा है कौन टेक्निकल है कल्चरल है। दो फेस्टिवल है, सरंग और ओके, उसके अलावा भी डिपार्टमेंटल फेस्ट होते हैं। आग अमलगम, अमलगम डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस वालों का डिपार्टमेंटल फेस्टिवल है। और एलेक फेस्ट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फेस्ट है, ये हमारे कॉलेज में भी होता था, हर ब्रांच वाले अपना फेस्ट करवाते थे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से है। EXE बिट क्लब, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्लब है ये, सॉरी फेस्टिवल है ये। सो ये भी हमने देख लिया। अचीवमेंट्स वी कैन सी, हम लोग अचीवमेंट्स देख सकते हैं, प्रोफेसर ये कुछ अवार्ड्स हैं, रिसर्च पार्क है यहाँ पे, देयर इज अ रिसर्च पार्क एंड इनोवेशन सेल, दो चीजें बहुत स्पेशल है यहाँ पे, रिसर्च पार्क है। सर रिसर्च पार्क के बारे में बच्चों का थोड़ा सा बताएंगे पढ़ के यहाँ से। यस यस, आईआईटी मद्रास का गाइस ये रिसर्च पार्क है। सो इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन द रिसर्च पार्क एस्पायर्स टू बिल्ड नॉलेज एंड इनोवेशन ecosystem where industry leaders and scholars can collaborate, ठीक है ना, तो leaders हैं, industry के leaders हैं, और obviously यहाँ पे scholars बहुत लोग आते हैं and they can collaborate for art. ये actually एक नई beginning के लिए, obviously आप नए नए चीजों का research के लिए, this plays a really important role, है ना, art and technology to integrate and apply advancements in knowledge to real time products or services, ठीक है, through the fostering of partnerships and assisting new ventures, IIT MRP strives to transform and exceed global research development industry standards. So guys, काफी कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत चीज में, और नीचे साथ ही साथ यहाँ पे और चीजें लिखी हुई, 3000 professionals working across corporate R&D units. So 3000 professionals है जो work कर रहे हैं इसमें, multinational research centers, public sector, government research institutions, IIT Madras Center of Excellence, laboratories, काफी चीजें हैं यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो। टोटल ये रिसर्च पार्क आपका लगभग 11.5 एकड़ में फैला हुआ है और 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ वर्क स्पेस विद सेवरल फॉर्मल इनफॉर्मल थीम बेस्ड मीटिंग एंड नेटवर्किंग, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, पूरा रिसर्च के लिए बनाया गया है, तो काफी यूनिक है, बहुत बढ़िया ये, ठीक है। तो और यहाँ पे रिसर्च पार्क में 70+ R&D पार्टनर्स हैं, 17+ R&D सेक्टर्स हैं, 200+ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप हैं, 13 स्टार्टअप सेक्टर्स हैं, लैब एंड टेस्ट फैसिलिटीज है 200+, 1300+ पैटेंट फाइल्ड है, बिग बिग बहुत बड़ी चीज है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है किसी भी कॉलेज का NIRF रैंकिंग, और ये चीज कॉलेज का NIRF रैंकिंग जब 1 आया था सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा इस चीज ने, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है, पूरा एक आप समझ रहे हैं ना, एक वर्क स्पेस बना दिया है, इतने बड़े स्पेस में एक वर्क स्पेस बना दिया गया जहां पे इतने सारी चीजें हो रही है, 200+ लैब एंड टेस्ट फैसिलिटीज है गाइज, दीज आर द बिग नंबर्स, 1300 पेटेंट फाइल है, ठीक है, 200+ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स है यहाँ पे, 200 स्टार्टअप्स, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, 13 स्टार्टअप सेक्टर है, 70+ R&D पार्टनर्स है यहाँ पे, ठीक है,
बिग नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है। और ये इसका अलग से अपना एक वेबसाइट भी है। लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हम आपको क्या क्या चीजें बता सकते हैं। प्लेसमेंट तो आपको जरूर दिखाएंगे ही हम, डोंट वरी। ये आप देखिए, सी ऐसा लग रहा है कि कोई एकदम मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा ऑफिस हो। आप लोग देखिए बिल्कुल इस चीज को, बिल्कुल और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ विजिट कर किए हुए हैं। हर तरह के स्टार्टअप आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहे हैं। इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड रिसर्च रिसर्च पार्क, इंडिया फर्स्ट। काफी अच्छा रिसर्च पार्क है सर ये। सर ये और देखिए, मेरे ये ख्याल देखिए से आप, काफी यहां पे देखिए लोगों को अट्रैक्ट आप करते हैं। ये देखिए आप, ये पिक्चर देखिए बच्चों, आप लोग भी देखो सी। और ये सब दिखा भी रहा है सर, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा इसके बारे में, टावर ई, 11 फ्लोर का टावर ई है यहाँ पे, इस बगल में लिख रहा है। फीचर्स क्या है, एटीएम है, आईएटीएम, आरपी ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड रूम्स, डिस्कशन रूम, मिनी ऑडिटोरियम एंड एग्जीबिशन हॉल्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंडस्ट्री एकेडमी ऑफ ब्रिज लीडिंग टू द आईटी मद्रास, और मल्टी लेवल पार्किंग है यहाँ पे, टावर डी है, दिस इज टावर सी, 10 फ्लोर्स का है। सब पूरा कैंपस आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, कितना मजेदार तरीके से इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं पूरा दिखाया गया यहाँ पे। पार्टनर बेसस अगर कोई, ये तो कंपनीज के लिए है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, बहुत बड़ी चीज है गाइस, ठीक है। आप इनके क्लाइंट्स के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन इनके क्लाइंट्स हैं, रिसर्च एनालिटिक्स कंपनियां हैं। जिनको यहाँ के लोग बिग टेक, वायरलेस, ये सब नए नए स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां इनके पार्टनर्स हैं। तो बहुत बड़े लेवल पर, मतलब बच्चों को कॉलेज में ही पूरा इंडस्ट्री मिल रहा है। अरे ये सब चीजें करेगा बच्चा, प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा, वो अपनी कंपनीज बना रहा है, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है गाइस। 200+ स्टार्टअप का मतलब समझ रहे हो सर, कितने सारे जॉब्स तो इस कॉलेज नहीं दे रहे हैं। डेफिनेटली। और काफी कुछ, और और सर जो सर बच्चे इसमें दिस इन्वॉल्व इज होते हैं व्हाट कंपनी वी वांट, यही तो का। चाहिए सर, यस यस कि हमें बिल्कुल किसी पे बिल्कुल। डिपेंड ना और रहना पड़े, हम क्रिएटर्स बनाएं, कॉलेज में क्रिएटर्स बनाएं। डेफिनेटली, और ये चीज सर, ये बच्चों का प्लेसमेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं आती होगी, क्योंकि कंपनीज आती हैं, पूछती हैं आपने 4 साल में क्या किया। आपके पास इसके बारे में कहने को बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे तो आप आंसर कर पाओगे इसमें, देखिए और आप क्योंकि सर, आपने इसको दिया है। इतने सारे सेक्टर के स्टार्टअप यहाँ पे काम कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी, बैटरी, एडुटेक, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक, कंसल्टिंग, आईओटी, एमएल, एआई, एआर, वीआर, एनालिटिक्स, ठीक है, एग्रीटेक, ऑटो, वाटर ट्रीटमेंट, बायोटेक, रोबोटिक्स, सब है भाई यहाँ पे, सारे तरह के स्टार्टअप काम कर रहे हैं। 75 स्टार्टअप ऑलरेडी मार्केट में है, 100 पैटेंट्स फाइल हो चुके हैं, 21 मेंटोर हैं, 98 पार्टनर्स हैं, 100 इनक्यूबिटीज हैं, 70 स्टार्टअप्स को, ठीक है, ग्रेजुएटेड स्टार्टअप्स हैं, और इन्वेस्टमेंट बाय एंजल, इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका है सर, ये अमाउंट देखिए, 1650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल हो चुका है, 3000 जॉब क्रिएट हो चुका है यहां से, 200+ स्टार्टअप है। यही तो हम चाहते हैं कि इंडिया के कॉलेज से इसी चीज को तो सपोर्ट करना चाहिए, जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अभी तक। दिल खुश हो गया इस कॉलेज के बिल्कुल बारे में ये चीज देख के। प्लेसमेंट तो देखेंगे ही, वो तो सभी कॉलेज का दिखाते हैं हम, लेकिन सर ये चीज देख के सही में मतलब मैं बहुत खुश हुआ।
बहुत बड़ी। और रिसर्च में मैंने बताया कि इंडिया को काफी आगे ले जा रहा है आईएसई बैंगलोर एंड आईआईटी मद्रास, है ना। तो इंडिया का जो रैंकिंग रिसर्च में आगे बढ़ रहा है और इंडिया में एक रिसर्च कल्चर डेवलप हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू कॉलेजेस। ये दोनों कॉलेजेस कोलैबोरेट करके काफी कुछ ले आ रहे हैं इंडिया के लिए, विच इज अ बिग थिंग। और ये चीज आगे जाके और ग्रोथ होगा, इसमें कंट्री को काफी फायदा मिलेगा और इसके अंडर में बहुत चीजें आपको मिल पाएंगी। सर आप बच्चों को अभी कट ऑफ दिखा दीजिए, तब तक मैं बच्चों को प्लेसमेंट यस ढूंढ यस के यस, दिखा थोड़ा सा देता मेरे हूँ। पास प्लेसमेंट का डाटा आ गया है, सो ठीक है ठीक आई है, विल लाइक टू शो देम। ठीक है, हाँ तक मैं भी ढूंढता हूँ। सो यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। ओके। तो इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स? यस यस, स्क्रीन इज क्लियरली विजिबल। तो ये मेजर की पॉइंट्स हैं जो फीचर कर रहे हैं आपके इसमें प्लेसमेंट्स पे। एवरी मेजर दैट रिक्रूट्स कंपनी रिक्रूट्स इन इंडिया रिक्रूट्स थ्रू आईआईटी मद्रास, व्हिच इज वेरी गुड। एंड एवरेज सीटीसी जो था वो टर्न्ड आउट टू बी 13.6 लाख INR, 13.6 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है कम कॉलेज से। एंड एवरेज पैकेज ऑफ सीएसई फ्लक्चुएट्स अराउंड 20 लाख INR। तो यार डेफिनेटली काफी चीजें हैं जो आती हैं कॉलेज में। 1.33 CR का हाईएस्ट प्लेसमेंट भी हुआ है। 1 CR के अबव आप मान सकते हैं 15-20 लोगों को ऑफर दिया गया होगा। एंड सीएसई का सर काफी अच्छा पैकेज है, कानपुर से थोड़ा सा आगे है ना। कानपुर का हमने देखा था 18 से 19 के आसपास था। तो डेफिनेटली मद्रास में सीएसई थर्ड च्वाइस हो जाता है बहुत बच्चों का, आफ्टर मुंबई एंड दिल्ली। तो काफी ही, और साउथ के काफी बच्चे जो होते हैं जो एपी तेलंगाना वगैरह से आते हैं, सो उनका ये मद्रास काफी ही ज्यादा फोकस्ड रहता है बच्चों का कि मद्रास चूज करें, है ना। एंड डेफिनेटली लॉट ऑफ क्राउड फ्रॉम एपी एंड तेलंगाना एंड केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, दे ट्राई टू पिक अप द मद्रास, है ना। भले उनकी रैंकिंग काफी अच्छी आती है बट स्टिल दे हैव दैट कोर कनेक्ट विद द कॉलेज। मेरे भी काफी बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया था साउथ में, दे हैव टेकन एडमिशन इन आईआईटी मद्रास, दे हैव टेकन एडमिशन, उनको दिल्ली भी मिल रहा था, उनको बॉम्बे भी मिल रहा था, उनको कानपुर भी मिल रहा था, बट स्टिल दे चोज मद्रास। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, काफी अच्छा प्लेसमेंट है। रिसर्च आप देख सकते हैं इंडिया में वन द बेस्ट है। प्लेसमेंट्स और डेटा आपके सामने है, काफी अच्छा डेटा है इस कॉलेज का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं पर्टिकुलर। देखो कितना अच्छा व्यू है सर, शायद सर भी ये दिखा रहे थे। हाँ एंड दिस इज एन अमेजिंग व्यू ऑफ द कॉलेज, है ना। एंड ये शायद से बहुत ही एक बास्केटबॉल कोर्ट टाइप लग रहा है कुछ। यस, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी ये कॉलेज रखा है, इसमें 44 सीट से काफी डिसेंट कट ऑफ है। ओपन एंड क्लोजिंग रैंकिंग आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग। एंड फीमेल ओनली के लिए 10 सीट्स हैं आपके पास, काफी सीट्स आप देख सकते हो। एरोस्पेस में भी काफी ज्यादा सीट्स हैं, कट ऑफ भी डिसेंट गया हुआ है। उसके बाद बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, 81 सीट से थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली टू द अदर कॉलेजेस। अदर कॉलेज में केमिकल में थोड़े से ज्यादा सीट्स देखे गए हैं कानपुर, दिल्ली और बॉम्बे में। एंड मद्रास में थोड़ा सा कम है। सिविल इंजीनियरिंग का भी कंपैरेटिवली काफी लो सीट्स है ना। देखना पड़ेगा कि सीएससी में कितने सीट्स है। सीट्स इस कॉलेज में थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, सीएससी में भी थोड़ा विथ सा रिस्पेक्ट सभी टू सीट्स से आईआईटी कम। कानपुर और आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे कानपुर एंड सीट्स दिल्ली, कम है। यस सीट्स आर लिटिल बिट लेस। सो द लेसर दिस नंबर दैट मींस क्वालिटी इज बेटर आई गेस इन दिस कॉलेज। और आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल में बहुत जगह 138 भी देखा था हमने, तो उस हाँ कंपैरेटिवली उसके वन आईआईटी कानपुर हंड्रेड में एट वन है तो थर्टी एट 138 देखा था हमने। देखा था। यस, तो 108 सीट है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फॉर जनरल न्यूट्रल एंड फीमेल के लिए 23 सीट्स। ओके, इंजीनियरिंग फिजिक्स का अगेन थोड़ा सा कम है, 40 to 50 सीट रहता है जनरली, और यहाँ पे सिर्फ 29 सीट देखने को मिला है। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, दैट इज द रीजन वाई मद्रास मैकेनिकल के लिए लोग पागल रहते हैं। मद्रास मैकेनिकल है ना, क्योंकि सीट्स भी ज्यादा है, कट ऑफ भी कम जाती है।
और इसीलिए बहुत बच्चे मद्रास में मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा होड़ मचती है। कॉलेज का मैकेनिकल इज ऑन डिफरेंट लेवल। जैसे रुड़की का सिविल फेमस है, उसी तरीके से मद्रास का मैकेनिकल काफी फेमस है। आप देख सकते हैं सीट्स काफी ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 186 सीट्स है दोनों मिला के, विच इज ह्यूज। ठीक है, एंड बात करें मेटलर्जी, ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं है सर इस कॉलेज में। अगर आप देखें तो ब्रांचेस भी कुछ ज्यादा नहीं है, इधर उधर की ब्रांचेस लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नहीं है, फिर बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, उस तरह की ब्रांचेस नहीं है। ये अगर आप बात करें एक नया मेटलर्जी ब्रांच एंड है, नॉवल मटेरियल, आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपको या ओशियन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। 54 सीट्स है और 47 सीट्स है मटेरियल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स, तो इसका हमेशा स्कोप ज्यादा होता है। ठीक है, एंड काफी मेटलर्जी प्योर कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं सिर्फ मटेरियल्स मिलता है। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन, उसमें आपको काफी स्कोप रहता है आगे जाके। आप दोनों में जा एंड देख सकते सकते हैं। हैं, यस यस यस। चलिए डिटेल करके हम लोग एक एक ब्रांच के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कॉलेज के बारे में कट ऑफ वगैरह देखते हैं। चलिए, काफी ही शानदार सा कॉलेज का बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप लोग गाइस कितना मस्त लग रहा है। एंड फ्रॉम द फ्रंट व्यू इट इज लुकिंग एन एक्सेप्शनल बिल्डिंग है, शायद से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती है, काफी अच्छा डिजाइन रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का हर कॉलेज में। उसके बाद ये देखिए आप लोग कितना अच्छा ग्रीनरी है और कितनी सोबर सोबर, काफी सोबर लग रहा है ये देख के बिल्डिंग, एंड इट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। चलिए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कट ऑफ की बात करें तो हमने डिस्कस किया था जनरल के लिए अराउंड 3768 पे खत्म हो रहा है, विच इज वेरी डिसेंट। ठीक है, बाकी कॉलेजेस में भी हमने देखा था इतना ही गया था, अराउंड 3000 ही रहता है ना, 2000 to 3000 रहता है बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर एंड मद्रास। तो इसके आसपास आपको टॉप 4-5 IITs में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल जाएगा, काफी अच्छा स्कोप है ना, लिमिटेड सीट्स हैं, बट डेफिनेटली अगर आपने अच्छा किया तो आप लाइफ में कुछ तगड़ा करोगे, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। ओके, उसके बाद आ जाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, अगेन सेम टाइप ऑफ कट ऑफ व्हाट वी सॉ इन द अदर कॉलेजेस। 3636 कट ऑफ गया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक, गर्ल्स कैन गेट इट अराउंड 8088। एंड काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच होता है केमिकल, है ना, एंड केमिकल इंजीनियरिंग इन मद्रास काफी लोग प्लेस होते हैं, अगेन एज मुंबई भी सी के पास है, मद्रास भी सी के पास है, तो इसीलिए डायरेक्टली बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां जो होती हैं इन हाउस चेन्नई की कंपनीज लाइक वियटेक वबाग, है ना, ऑल दोस कम विद गुड पैकेजेस। ठीक है, केमिकल में काफी अच्छा पॉसिबिलिटी रहता है और प्लेसमेंट भी काफी अच्छा मिल जाता है। हाँ, अगेन आई विल टेल यू कि 10 to 12 lakhs ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बीइंग अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी मद्रास इन कोर सेक्टर। ओके, वन मोर बिल्डिंग व्हिच इज ग्रेट, क्या लिखा हुआ है, हिमालया, शायद से हॉस्टल का नाम है कोई। हॉस्टल, यस यस, हॉस्टल्स के अलग अलग नाम होते हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सो यहाँ सिविल पर इंजीनियरिंग का, जनरल काफी नीचे तक गया है सर। हाँ यस यस यस, सिविल का 5000 क्रॉस हो जाता है हाँ आफ्टर टॉप कॉलेजेस, एंड डेफिनेटली काफी लोग आई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग। बट हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो आई वोंट सजेस्ट दिस कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, है ना, सिविल सर्विसेज हो गया, उसका मेरे को जितना आइडिया है, जितना मैंने पता किया है बच्चों से, उतना ज्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर आपको ये चीज मिल रही है तो आप सिविल वगैरह BHU या फिर कानपुर या फिर दिल्ली, इन सारे कॉलेजेस में आप ऑप्ट कर सकते हो, नॉर्थ एंड यूपी के कॉलेजेस को, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का क्रेज ज्यादा रहता है। एंड मद्रास में हो तो आप अगर MS करना चाहते हो तो दिस इज समथिंग विच विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू। आई कैन वाउच फॉर दिस की 70%, 60 to 70% बच्चे जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, दे गो फॉर MS, या तो इंस्टेंटली या तो आफ्टर 2-3 years ऑफ कॉर्पोरेट जॉब। सो डेफिनेटली दिस इज द ट्रेंड जो मैंने देखा भी है। मैं जब सिविल इंजीनियरिंग में था फाइनल ईयर में, तो मेरी काफी सारी डिस्कशंस होती थी
आईटीज के बच्चों से, डिफरेंट आईटीज के बच्चों से, डिफरेंट एनआईटी के बच्चों से, बिकॉज जो मेरा फ्रेंड था वो ही वॉज इन प्लेसमेंट सेल, सो ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ प्लेसमेंट सेल, एंड आई गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशन कि क्या चल रहा है बच्चों के दिमाग में ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन डिफरेंट आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट होगा वो ज्यादातर एमएस ओरिएंटेड होगा सिविल इंजीनियरिंग का, गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक गेट, ईएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का थोड़ा सा क्रेज कम है। आई एम नॉट सेइंग इट इज निल, आई कैन नॉट से दैट, है ना, दैट इज अ रॉन्ग वर्ड इफ आई विल बी यूजिंग इट, बट हाँ इट विल बी स्लाइटली लेसर देन बीएचयू, देन दिल्ली, देन कानपुर। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग 5727 में आपको मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग इन मद्रास, 10560 इन फॉर फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस देखिए सर 158, कट ऑफ कम चला गया जो हमने एक्सपेक्ट किया था, कानपुर से, कानपुर से कम चला गया, कानपुर से कट ऑफ कम चला गया है सीएससी का, बहुत बहुत कम है, 100 लगभग, नहीं उसका 238 था शायद, हाँ हाँ इसका 158 है, सो इट इज हाँ अप्रोक्सीमेटली 80 लेसर देन कानपुर, सो दैट इज ह्यूज थिंग। तो सीएससी जो है कानपुर का स्लाइटली लेसर है कंपैरेटिवली टू मद्रास, एज एक्सपेक्टेड, एज लॉट ऑफ कंपनीज फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर, है ना, डायरेक्टली इजिली ईजी होता है सर कम्यूट करने के लिए उनको, and that is also one big reason, plus south crowd is, as I told you, prefers private jobs, prefers IT sector, prefers technology, and I'm not saying Kanpur ka technology is lesser by any stretch of imagination, but ek mindset hai jo bachchon ke dimag mein wahan pe rehta hai, and that's why you can say that, isliye sir Hyderabad ka jo hum log karenge उसका भी कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस का 600 जाता है, जबकि वो एक नया आईआईटी है, जबकि वो एक नया आईआईटी है, सो दैट इज समथिंग जो कि थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज दे सकता है। चलिए IIT मद्रास, ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आपका जनरल कैटेगरी में 844 पे क्लोज हुआ है, और फीमेल के लिए 2046 पे, ओबीसी 427, फीमेल 1307, ईडब्ल्यूएस 202, ओके, बहुत ज्यादा का डिफरेंस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, फीमेल 567, हालांकि एनआईटीज के कट ऑफ में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इतना ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, एससी 304 और एसटी 185। ओके 844 गाइस आप देख सकते हो क्लोजिंग रैंक है ना, एंड व्हिच इज वेरी वेरी गुड, है ना, तो आपको काफी डिसेंट में मिल रहा है ना, तो 20246 फॉर फीमेल, सो व्हिच इज गोइंग टू बी ग्रेट। अच्छा इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स जनरल क्लोज हो रहा है 1589 पे, तो ये भी बहुत नीचे नहीं जा रहा है सर, ये सिविल से पहले हो रहा है, यस सिविल 5700 समथिंग पे क्लोज हुआ था, और ये इंजीनियरिंग फिजिक्स 1590 के पहले क्लोज हो रहा है, यस, तो डेफिनेटली सर इंजीनियरिंग फिजिक्स का थोड़ा बहुत तो क्रेज रहता है, और यहाँ पे रिसर्च इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इस कॉलेज में। हाँ। तो डेफिनेटली सर देख सकते हो आप लोग और बच्चे भी देख सकते हैं कि यार 1589 सीट्स भी कम है और रिसर्च इन्वायरमेंट है, एंड दैट विल बी ग्रेट, है ना, आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा यहाँ पे, कि रिसर्च आपने किया है तो आपको काफी अच्छा स्कोप मिलेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2300 सर, सबसे नीचे सिविल है, ये भी 2300 पे क्लोज हो गया, सिविल सबसे नीचे है इस कॉलेज का, यस 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 2314 आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया है, विच इज क्वाइट डिसेंट, आप डिसेंट कह सकते हो इसको, ठीक है। मेटलर्जी 5500 का कट ऑफ है मेटलर्जी का, आप देख सकते हैं गाइस, है ना, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एंड दैट इज ऑल्सो क्लोजिंग अराउंड 5500। तो इसका भी कट ऑफ काफी कम है करस्पॉन्डिंगली। नेवल आर्किटेक्चर का और ओशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ थोड़ा सा कम है करस्पॉन्डिंगली, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस इसका कट ऑफ काफी कम है। तो किसी को सिर्फ नाम के लिए चाहिए आईआईटी मद्रास, और कोई साउथ का बट स्टूडेंट स्कोप है, है अगर जो कि वो जाना चाहते हैं फिर ओशन इंजीनियरिंग में दे कैन गो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, स्कोप्स हैं, मतलब मिलेगा कम है लेकिन है। और फीमेल के लिए 14,000 पे जा रहा है ये, और फीमेल ओबीसी होगा तो फिर वो 20,000 तक चला जाएगा। फीमेल बिल्कुल बिल्कुल ओबीसी में तो 25-25 27-27 हजार पे भी एनआईटी आईआईटी मिल रहा है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो थोड़ा सा अब हम लोग वेबसाइट दिखा देते बच्चों को कुछ। हाँ, ओके। कुछ और चीजें हैं जो हम बच्चों को दिखाते हैं वेबसाइट से, या डेफिनेटली सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हो गया? यस तो एक चीज मैंने ओपन करके रखा हुआ है बच्चों के लिए, मैं दिखाता हूँ। इन सब चीजों को हम काट देते हैं। तो ये कुछ रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं जो एक कॉलेज ले रहा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस मटेरियल्स में, एआई एंड डेटा साइंस में। सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल, प्लीज कंफर्म सर। या हाँ सर, स्क्रीन दिख सो रहा है आप बच्चों लोग को, देख यस सकते हैं ऑटोमेशन सिस्टम में, बिग नेटवर्क में, केमिस्ट्री में भी, सर्कुलर इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, अर्थ साइंस, इवन इन अर्थ साइंस, इन द फील्ड ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पे रिसर्च एनवायरमेंट है। रिसर्च में काफी काम हो रहा है। एटमोस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस, जो जियोफिजिकल फ्लोज, और आप लोग देख सकते हैं हर फील्ड में कॉलेज, मतलब ऐसा कोई ब्रांच आपको नहीं मिलेगा कि जो यहाँ पे यूजलेस है, आप लेंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। हर ब्रांच में यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। और वो इस कॉलेज का सबसे बड़ा सबसे अच्छा चीज है कि हर फील्ड में ये कॉलेज एकदम नंबर वन पे है, पूरा जम के काम हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड बिजनेस, मैथमेटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, ओशियन टेक्नोलॉजी। सर देखिए ओशियन टेक्नोलॉजी जो ओशियन ब्रांच है काफी लो रैंक पे मिल रहा था, उसमें भी यहाँ पे काफी अच्छा काम हो रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का कोई भी ब्रांच बिल्कुल ऐसे बेकार नहीं जाएगा। लार्ज स्केल ओशियन रिसर्च हो रहा है, इतना कुछ यहाँ पे हो रहा है, स्मार्ट माटी टाइम टेक्नोलॉजी, इतना काम हो रहा है यहाँ पे ना, इतने अच्छे लेवल पे हो रहा है कि आप किसी भी ब्रांच में लेके जाएंगे यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल नॉट रिग्रेट। सेंसिंग एंड विजन, सेफ्टी साइंस, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस में काम कर सकते हैं, फिजिक्स का भी हो रहा है यहाँ पे। तो पूरा रिसर्च का गजब का इन्वायरमेंट है, और यही एक कारण है कि यहाँ के बच्चे फिर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट ले रहे हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में काफी टॉप पोजिशंस पे जाके रिसर्च कर रहे हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, इतने सारे रिसर्च सेंटर है, और इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर आपको अलग अलग मिल जाएगा, रिसर्च एक्टिविटीज मिल जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम भी चल रहा है सर यहाँ से, ये भी एक है। आप जो बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा हम बच्चों को बता देते हैं, दे कैन, अगर आप आईआईटी मद्रास ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम। क्या ये आईआईटीएम इज वेल इक्विप
to provide online degree course have been initiated on NPTEL program, the country first online content portal as an inter-IIT consortium project in 2001. The portal NPTEL एक पोर्टल है जहां पे सभी IITs के टीचर्स का वीडियोस रहता है, बट यहां पर आप IIT मद्रास के थ्रू आपको इसकी डिग्री भी मिलेगी, BSc की डिग्री. वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन पोर्टल इन द वर्ल्ड. इन 2014 IITM also created NPTEL online course, the country first massive open online course. Today NPTEL is considered the largest MOOC. MHRD launched Swayam MOOC platform in 2017. NPTEL has been largest contributor to it. NPTEL has also manages national MOOC's portal. ओके, ये स्वयं जो पोर्टल है ये भी आप लोगों को देखना चाहिए. सभी बच्चों को यहाँ से आप बहुत सारे डिग्रीज ले सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं IITs का. ठीक है, नेटवर्क मोर देन 4000 स्वयं लोकल चैप्टर्स कॉलेज विद IITM कंटिन्यूइंग टू लीड NPTEL प्रोजेक्ट. इट मेक देम परफेक्ट चॉइस फॉर ऑफर ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम. ठीक है, और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या मिल रहा है? डिप्लोमा प्रोग्रामिंग में आपको मिल रहा है, डिप्लोमा डेटा साइंस में, बीएससी प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस. IIT मद्रास इंडिया टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वेलकम यू टू द वर्ल्ड फर्स्ट बीएससी प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस. द फर्स्ट टाइम यू कैन वर्क टुवर्ड्स एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा फ्रॉम IIT रिगार्डलेस ऑफ योर रेज लोकेशन विद अ वाइड रेंज ऑफ एकेडमिक एंड बैकग्राउंड. ये क्या है ये देखते हैं हम लोग थोड़ा सा. आप लोग देखिए, अगर आप मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज में हैं या किसी NIT में हैं, तो आप वहां से साथ साथ ये ऑनलाइन आप BSc कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन BSc प्रोग्राम है जहां पर आपको डिप्लोमा इन डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग आपको कराया जा रहा है. सो यू कैन सी IIT मद्रास इंडिया टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट वेलकम यू टू द वर्ल्ड फर्स्ट BSc डिग्री प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस. BSc प्रोग्राम इन डेटा साइंस, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा साइंस. ठीक है, सो यू कैन सी इट हियर एप्लीकेशन फॉर. ओके, तो 2022 बैच के लिए एप्लीकेशन ओपन है. ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. वेबसाइट्स पे जाके आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन BSc प्रोग्राम में आप इनरोल कर सकते हैं. IIT बॉम्बे की, IIT मद्रास की डिग्री आपको मिल सकती है. दिस इज ग्रेट गाइज, दिस इज रियली ग्रेट. आप लोग सभी बच्चों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए. चलिए अब हम कुछ कैंपस के न्यूज देखते हैं. सो दीज आर सम न्यूज ऑफ द कैंपस. यू कैन सी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. ये ड्रोन है, टेक्नोलॉजी हो गया, इनोवेशन हो गया, हर चीज में कॉलेज टॉप लेवल पे है. और इंटर IIT टेक मीट भी यहाँ पे होता है और टेक सॉक होता है. यहाँ पे एक कंपटीशन है जहां पर बच्चे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप सेल है. यहाँ पे निर्माण क्या है, निर्माण एट IIT मद्रास इज ए नर्सरी ऑफ द स्टार्टअप ड्रीम्स अमंग्स आवर स्टूडेंट. सर कितनी सारी चीज है, निर्माण है, इंक्यूबेशन सेंटर है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, रिसर्च सेंटर है, मतलब गजब. हर टाइप की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है. यहाँ के बच्चे रात दिन एकदम पूरा यही सब में बिजी रहते होंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा बाकी चीजों के लिए, और यही सब चीजें वो इंजॉय करते होंगे. बिल्कुल, इनका टेक फेस्ट भी मुझे लगता है इंडिया का वन द बेस्ट होता है. है ना, टेक फेस्ट भी काफी ज्यादा होता है इनका, काफी कैंपस अच्छा में. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक है, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, कैनरा बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा. ठीक है, हॉस्पिटल है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी काफी अच्छे लेवल का है, बस फैसिलिटी अवेलेबल है. ठीक है, कैंटीन है, कैंटीन में आप लोग देख सकते हैं सब टाइमिंग भी दिया गया है यहाँ पे. सो कैंपस लाइफ में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. सो कैंपस फैसिलिटीज पर, कैंपस फेस्टिवल्स और स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्लब्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स
हॉस्टल लाइफ हमने थोड़ा दिखाया था शायद बच्चों को, या हॉस्टल लाइफ हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ये सब हॉस्टल है। यस हम टॉप अलुमनाइज भी देखने की कोशिश करते हैं, किसके टॉप अलुमनाइज कौन कौन से हैं। बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके 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 ओके, यहाँ पे कुछ मिलेगा, ओके ओके ओके, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सर कॉलेज का, कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है और वेल कनेक्टेड है और काफी अच्छी सिविल इंजीनियरिंग यूज हुई है यहाँ पे। हाँ मतलब इससे इससे उसमें जाने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। हाँ, और बहुत किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग की तरह लग रहा है। हाँ यस यस, काफी अच्छा है और न्यू बिल्डिंग्स है, काफी नया बिल्डिंग्स है, नया टेक्नोलॉजीज है जो यूज किया गया है। ग्लोबल डोनेशन लिंक, ये तो डोनेशन का लिंक है, ये सभी लोग इसके अलुमनाइज हैं। ओके, डॉक्टर सुरेश कुमार, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वॉलमार्ट कैलिफोर्निया। वॉलमार्ट सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लिपकार्ट का पेरेंट कंपनी। डॉक्टर वीएस सत्य प्रकाश, एसोसिएट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोस, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, ये पेनिसिलिनविया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए, प्रोफेसर ऑफ ग्रेविटेशनल फिजिक्स कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके। तो इतने बड़े बड़े लेवल पर आप लोग देख सकते हैं। प्रोफेसर रवि सुब्रमण्यम है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इतने अच्छे कॉलेज जो लोग पढ़ेंगे वो तो एक ना एक दिन टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। डॉक्टर योगेश, सीईओ प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर मैसाचुसेट्स यूएसए। टिकटॉक, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, यहाँ पे फेस्टिवल्स में बड़े बड़े लोग टॉक देने आते हैं, ठीक है, कल्चरल फेस्टिवल में अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, सब उनका लाइव इवेंट होता है। ओके, प्लेसमेंट ऑफिस, कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स हमें मिले, इसी का छानबीन कर रहा हूं मैं। यहां पे प्लेसमेंट हमें दिखाई देगा, रिक्रूटर्स जो हम ढूंढ रहे थे फाइनली मिला। इतनी सारी ये पास रिक्रूटर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं कॉलेज के, काफी ज्यादा रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल,
इंटेल, जेपी मॉर्गन, सैमसंग, एचएसबीसी, यूबीएस, क्वालकॉम, सिटी बैंक, बोइंग या फॉर एरोनॉटिक्स स्टूडेंट्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिस्को, गूगल, एनवीडिया, अमेज़न, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, गोल्डमैन सैक्स, पब्लिक सेपियंस, मॉर्गन स्टैनली। इसरो, डियोलाइट, सिस्को, एयरबस। ये स्टेटस है, थोड़ा इसको चलने देते हैं, नंबर बड़े बड़े होंगे, दिखाई देगा हम लोगों को। ओके ये प्लेसमेंट समरी है आपका 2021 का। प्लेसमेंट परसेंटेज सब मिल गया सर, पूरा प्लेसमेंट डिटेल्स यहाँ पर, बिल्कुल पूरा बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल है। बीटेक में हम देख सकते हैं 2020-21 में 67 प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का नहीं हुआ, बाकी सब रिसर्च में चले गए, स्टार्टअप कर लिया, ठीक है। और उसके अलावा आप देखेंगे एमटेक में और कम है, क्योंकि सब स्टार्टअप्स में गए, रिसर्च में गए, एमएससी में और कम है, पीएचडी में भी कम है। तो डिग्री वाइज सैलरी रेंज, डिग्री वाइज सैलरी रेंज हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, मीडियम सब दिखाया गया है, सब आपको दिखाया गया बीटेक का। और उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं डुअल डिग्री का भी दिखाया गया है। फिर डिग्री वाइज सैलरी रेंज, नेक्स्ट वन इज द सेक्टर वाइज परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, सेक्टर वाइज प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कोर में प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, जो एक बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट वन इज द आईटी, कोर एंड आईटी दोनों है। पीएसयूज में भी सर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 1% का ही है, बट है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 11% लोग गए हैं, अदर्स में 7%, एनालिटिक्स एंड कंसल्टिंग में 21%, एजुकेशन के फील्ड में भी गए हैं बच्चे, एफएमसीजी में भी गए हैं। ब्रांच वाइज प्लेस परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट, एरोस्पेस में 64% का प्लेसमेंट है, और सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट है 91%। तो पूरा आपको यहाँ पे ओसीएन इंजीनियरिंग में भी सर 52% का प्लेसमेंट, दैट इज ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और काफी मतलब प्लेसमेंट तो काफी अच्छा है डेफिनेटली। और सर आईआईटीज में सर प्लेसमेंट परसेंटेज का ज्यादा रोल नहीं है, मुझे लगता है सर ऑफर ये बहुत लोगों को देखिए मिलता आपके होगा। सामने है यस एरोस्पेस इंजीनियरिंग का सैलरी 6 लाख से लेकर 31 लाख पर एनम, मीडियम सैलरी 12 लाख एरोस्पेस का, एरोस्पेस का मीडियम बिल्कुल सैलरी 12 लाख है, एरोस्पेस डिपार्टमेंट, जो थोड़ा सा बच्चे डरते हैं लेने से। और यहां पर कंपनियों के नाम भी है, कंपनियों के नाम भी है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोर ही है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहां पर आरमैक्स जूनियर डेटा साइंटिस्ट पे भी गए हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड में भी गए हैं। ऐसा नहीं कि वो ये सारे बच्चे कोर में गए हैं, कोर का मतलब हुआ कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में गए हैं, ये गोल्डमैन सैक्स में भी गए हैं बच्चे। नेक्स्ट ब्रांच इज द अप्लाइड मैकेनिक्स सर, इवन इन अप्लाइड मैकेनिक्स मीडियम सैलरी 11 लाख। मतलब कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं कि जो मुझे नहीं लगता कि जिसमें प्ले एवरेज पैकेज 10 लाख से कम जाने वाला है, 8 लाख से कम जाने वाला है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अपने कोर में ही रहते हैं, वो दूसरे में भी घुस जाते हैं। अब देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स का बच्चा यहाँ कंटेंट डेवलपर फॉर जावा लिया हुआ है प्लेसमेंट, जावा में प्लेसमेंट लिया हुआ है, कंटेंट डेवलपर फॉर जावा। फिर हम आगे बढ़ते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी में भी एवरेज पैकेज 12 लाख का है सर। नेक्स्ट हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग, एवरेज पैकेज 15 लाख, हाईएस्ट 52 लाख, हाईएस्ट 52 लाख है, जो कि सारा अब्रॉड का प्लेसमेंट होगा ये जो 52 लाख होगा, दैट इज। केमिकल इंजीनियरिंग में 11 लाख एवरेज है, हाईएस्ट 37 है, मिनिमम सैलरी 6 लाख की है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सर 6 लाख का पैकेज है, जब कितने पुअर रैंक पर मिल जाता हो कोई लेता नहीं होगा, उसमें भी 6 लाख का पैकेज है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 8 लाख है। कंप्यूटर साइंस, मीडियम सैलरी 25 लाख, हाईएस्ट सैलरी 70 लाख, मिनिमम सैलरी 9 लाख। एब्रॉड वाला मुझे लगता 70 में नहीं होगा, क्योंकि एब्रॉड होगा तो फिर तो करोड़ों तक जाएगा। इलेक्ट्रिकल में 18 लाख मीडियम सैलरी, सॉरी इलेक्ट्रिकल का 18 लाख एवरेज पैकेज, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। और हाईएस्ट पैकेज 45 लाख का है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालकॉम में भी गए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और बच्चे क्वालकॉम में भी गए। नेक्स्ट वन वी हैव द इंजीनियरिंग डिजाइन ब्रांच, 12 लाख का एवरेज पैकेज, 35 लाख का हाईएस्ट पैकेज, 7 लाख का मिनिमम पैकेज। इंजीनियरिंग फिजिक्स 17 लाख मीडियम सैलरी, 19 लाख हाईएस्ट पैकेज, 17 लाख का पैकेज। सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी गए हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 9 लाख का मीडियम पैकेज है, मैथमेटिक्स 12 लाख का मीडियम पैकेज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 लाख का एवरेज पैकेज है, 45 लाख हाईएस्ट पैकेज है। मेटलर्जी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 16 लाख का एवरेज पैकेज है सर। अच्छा, मेटलर्जी एंड मैकेनिकल का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्योर मैकेनिकल। एंड नेक्स्ट वी हैव इज द ओशियन इंजीनियरिंग, 12 लाख का एवरेज पैकेज, 22 लाख यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। वो फैशन डिस्प्रिंट है, वो मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल एंड मटेरियल होगा, वो मेटलर्जी एंड मटेरियल हो सकता है, कैन बी। हाँ, यहाँ पे ओशियन का भी सर अच्छा पैकेज है। और अमेरिकन एक्सप्रेस, मतलब वही है कि ओशियन वाले बच्चे ओशियन में ना जाके दूसरे कंपनीज में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं, और कंटेंट डेवलपर डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब ये सॉफ्टवेयर में गए हैं बहुत सारे, ओयो रूम्स में गए बिजनेस एनालिस्ट बन के। तो ये तो हम लोग बताते भी है सर बच्चों को, ऐसे जो ब्रांचेज हैं ओशियन इंजीनियरिंग मेटलर्जी, ऐसे बच्चे मैनेजमेंट फील्ड में ज्यादा जाते हैं, एनालिस्ट के फील्ड में जाते हैं, ओयो रूम में गए बिजनेस एनालिस्ट बन के, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के, फिर टाइगर एनालिटिक्स में एनालिटिक्स बन के। फिजिक्स का 8 लाख का पैकेज है। तो पूरा प्लेसमेंट सर बच्चों को हमने दिखा दिया अच्छे से, डिटेल एनालिसिस, ठीक है। तो आई थिंक और बच्चों को काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा। सर अभी आईआईटी मद्रास में बच्चों को बता रहा था कि एक ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू हुई है, जो बच्चे अभी आईआईटी जिनको नहीं मिल पाया है, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, दे कैन ज्वाइन द ऑनलाइन बीएससी डिग्री, ऑनलाइन बीएससी कोर्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, और दे विल आल्सो गिव द सर्टिफिकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। और सर अभी मैंने देखा है कि आईआईटीज में भी एमबीए प्रोग्राम्स भी काफी ज्यादा चालू हो गए हैं, और काफी बच्चे जो आईटीज में मतलब बीटेक का सपना नहीं पूरा कर पाते हैं, वो डेफिनेटली आगे जाके एमबीए कोर्सेज भी ले सकते हैं, एंड उसका भी काफी अच्छा प्लेसमेंट है। चलिए तो बच्चों को थोड़ा सा शेयर कर देते हैं लास्ट में, एकेडमी के बारे में थोड़ा बता देते हैं, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। And then we'll wrap up the session. तो बच्चों आप लोग सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड आपको अब मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ विजेंद्र सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।
आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप लोग यूज कर सकते हो ये अमेजिंग सा फीचर, विच विल बी ग्रेट। ऑल्सो आप लोग एजे लाइव कोड लगा के आ सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म, विच विल बी ग्रेट। 30, 24, 12, 6 और 3 मंथ्स का प्लान है। 24, 18, 12, 6 मंथ्स का अगेन आप लोग आइकॉनिक वर्जन ले सकते हो बिजेंद्र, या फिर एजे लाइव कोड लगा के आप लोग आ सकते हैं इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे। 12 मंथ्स का आपके पास प्राइस है 38,000, 55,000 फॉर 24 मंथ्स एंड 59,000 फॉर 30 मंथ्स। आइकॉनिक का प्लान की बात करें तो 58,500 फॉर 12 मंथ्स, 72,000 फॉर 18 मंथ्स एंड 90,000 फॉर 24 मंथ्स। आल्सो हमारे पास बग्स बाउंटी है। अगर आपको किसी भी कंटेंट में लगता है कुछ भी इनअप्रोप्रिएट है तो यू कैन रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक दिया गया है। अगर आपका बग जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं सही पाया गया, अनअकैडमी विल गिव यू प्राइस फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, लाइक और शेयर बटन ठोक दो, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए IITs के डिस्कशन के साथ। अभी के लिए चलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइड्स।